फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर। फाइनली ये सीरीज़ कंप्लीट कंटिन्यू हो रही है कुछ 1.5 साल के बाद। पहली बात, आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि सीरीज़ को मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था। कुछ मेरे अपने कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थे और जिसका मैं खुद ज़िम्मेवार हूँ, तो इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं थी। बट इस सीरीज़ को मैं आप कंटिन्यू यानी कि ऑन लाइक डेली बेसिस पे मैं कोशिश यही करूँगा कि मैं आपको एक लेक्चर दे सकूँ और एक अरोड़ा ये इसकी तरफ से आपकी ये भी एक सीरीज़ जो है कम्प्लीट होने की कगार पर खड़ी हो जाए। ऑलमोस्ट इसमें कुछ 35 लेक्चर्स पेंडिंग हैं, कुछ 30-35 इसके आसपास लेक्चर्स पेंडिंग हैं, जिसमें मैं टैक्सेशन और आपका बैंकिंग, जिसमें कैपिटल मार्केट और आपका लाइक कैपिटल मार्केट हो गया, आपका मनी मार्केट हो गया, और साथ में इन्फ्लेशन और कुछ छुटपुट टॉपिक्स जो थोड़े बहुत जो है, जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया, वो थोड़े से मुझे टॉपिक कवर करने हैं, तो उसको धीरे धीरे मैं कवर करूँगा। धैर्य के साथ रखिएगा, इस ईयर रोड आई का प्रॉमिस है और इवन ये मेरा प्रॉमिस है कि ये सीरीज़ कंप्लीट अब होने के कगार पे स्टार्ट हो गई है। पीपीटीज मैं बना चुका हूँ, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज के टॉपिक बैंकिंग में ही एक साइड एंगल से निकल के आता है, जिसका नाम है स्वयं सहायता समूह। कुछ लोग बोलेंगे, सर ये टॉपिक कहाँ आता है बैंकिंग में, आप क्यों बैंकिंग का पढ़ाइए, ये स्वयं सहायता क्यों पढ़ा रहे हैं। डेप्थ एनालिसिस करेंगे, जब आपका सहकारी बैंक आता है और तो वहीं से ही एक एंगल निकलता है SSG का, क्योंकि सहकारी का ही न्यू कंसेप्ट SSG में आया है, तो उसी चीज़ को ही मैं एक वास्ट एंगल में समझाने की कोशिश करूँगा। इनके नोट्स आप खुद बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, या फिर वेट करें मेरे नोट्स का, या बट मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँगा कि खुद के साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। ये जो अभी लेक्चर है, ये PT प्लस मेंस के लिए है। इसमें PT प्लस मेंस दोनों के कंसेप्ट आपको यहाँ पे सामने, मैं आपको रूबरू यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो करा के मैं यहाँ पे चलूँगा, अगर मैं बात बोलूँ तो फिर उसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं फटाफट। और SSG के बारे में जो है बहुत डेप्थ के अंदर थोड़ा सा जो है चलने की जो है यहाँ पे जो है हम कोशिश करते हैं, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, SSG की अगर बात करें तो पहले तो देखो यार, स्वयं सहायता, ध्यान से समझिएगा, पहले वर्ड्स को तोड़ते हैं। स्वयं सहायता, थोड़ा एक मिनट, थोड़ा पेन डार्क करते हैं। स्वायत्ता समूह, राइट, इसको हम SHG कहते हैं, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, राइट। देखो अब वर्ड्स को पहले हटाओ, ये भी तामझाम, पहले कंसेप्ट को समझते हैं, क्योंकि UPSC कंसेप्ट से क्वेश्चंस निकालता है। अगर प्रीलिम्स ओरिएंटेड निकालेगा तो आपसे स्व सहायता समूह की परिभाषा के तौर पे, आपसे कुछ कंसेप्ट तौर पे आपसे जो है क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो स्व यानी कि सेल्फ, सहायता यानी किसी की सहायता करना, समूह एक ऐसा समूह जो खुद की सहायता करता हो, मतलब अब खुद की सहायता करेगा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंप्लीमेशन लेके आएगा, कुछ ना कुछ इस तरह से कुछ ऐसा करेगा कि ताकि कुछ आर्थिक क्रिया हो सके, कुछ एक सकारात्मक क्रिया भी हो सके, जैसे कि भाई मान लो 5 घर आपस में मिल गए, किसी एक घर को जरूरत पड़ेगी पैसे की, तो शायद क्या पता उसकी सहायता कर सके। देखो ऐसे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। तो उसी के तौर पे स्वयं सहायता ग्रुप भी एक आज के समय जो लेटेस्ट के तौर पे UPSC का एक ये हिट एरिया है, यहाँ से क्वेश्चन हर साल मैक्सिमम चांसेस हैं कि बनते भी और बनते भी आ रहे हैं। तो उस तरह के ग्रुप्स का फॉर्म हुआ। अब ये इंडिया के अंदर तो स्वयं सहायता ग्रुप आ गया, लेकिन इसका जो जन्म बात करें तो बांग्लादेश में 1970 में, जो स्पेशली अगर बात करें, जो हमारे एक नोबल पुरस्कार जो विजेता हैं लाइक बांग्लादेश के, उनका नाम है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का, के थ्रू इन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट पे, जो अगर बात करें बांग्लादेश में ही कि जैसे कि चिटगांव टाइप एक एरिया है, वहाँ पे इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के हिसाब से ये स्वयं सहायता चलाया, और इनको रिजल्ट्स कुछ 10 साल इम्प्लीमेशन करने के बाद इनको रिजल्ट्स पॉजिटिव देखने को मिल गए। तो उसी से ही फिर स्वयं सहायता ग्रुप जो है आज जो अगर बात करें तो स्टार्ट हुआ। अब किस पे रोल मॉडल किया वो हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है किसकी अवधारणा की बात करें, वो बांग्लादेश में 1970 के आसपास प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस द्वारा जो है करी गई थी, राइट। यानी कि ये अगर यहाँ पे आ जाए क्वेश्चन स्वयं सहायता ग्रुप इंडिया की देन है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इंडिया ने बांग्लादेश से कॉपी किया, जो अच्छी बातें होती हैं उसको हम कॉपी कर लेते हैं, राइट। इसमें कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि ये लोग न्यूनतम ब्याज पे जो बेसिकली आपस में एक दूसरे को लोन दे देते हैं, जैसे कि बैंक होता है, बैंक का अपना एक स्टैंडर्ड होता है, एक साहूकार भी होता है जिसका 2 साल के अंदर डबल हो जाता है, लेकिन बैंक होता है वो कम पैसे में देता है। एक स्वयं सहायता होता है, बैंक से भी नीचे तौर पर देता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ ऐसे भी किसान या फिर कुछ ऐसे भी ग्रुप होते हैं जिनके पास कागज कार्रवाई पूरी नहीं होती, बैंक कागजों के ऊपर लोन देता है, तो इस कंडीशन में फिर स्वयं सहायता ग्रुप काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, स्पेशली अगर बात करें तो गांव के अंदर। तो न्यूनतम ब्याज दर के तौर पे यहाँ पे जो ऋण प्रदान किया जाता है, एक सामूहिक बचत की तरफ प्रेरित किया जाता है, आपस में कुछ भी कर सकते हैं। मान लें ग्रुप बना लिया,
सबने एक टारगेट रखा, चलो भाई हर महीने हर आदमी 100-100 रुपये अकाउंट में डालेगा। तो एक तरह से मतलब कि समझ रहे, मल्टीपल टारगेट्स हो गए एक तरह से आपस में कोऑर्डिनेट करके कि ठीक है एक टारगेट लेके चलते हैं ग्रुप के अंदर, कुछ इस तरह से जो पैसा आएगा हम किसी और, ये ग्रुप अगर मान लो कि ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो गया तो वो किसी और को लोन देंगे, तो उस पर जो इंटरेस्ट आएगा तो वो आपस में कमा सकते हैं, कुछ इस तरह से कंसेप्ट है मतलब कि ओवरऑल। फिर अगर इनका कंसेप्ट वाकई बहुत अच्छा चला, मान लो ग्रुप काफ़ी सक्सेसफुल रहा, तो फिर बैंक भी इनको अलॉटेड करता है, यानी बैंक से फाइनेंस करा के ये बीच में जो है बड़े कम ब्याज दर पे मतलब पैसे को इधर उधर से उधर घुमा के पैसा थोड़ा बहुत प्रॉफिट हल्का फुल्का कमा सकते हैं। इससे क्या होता है, लोगों को थोड़ी सी एक हेल्प भी मिलनी स्टार्ट यहाँ पे हो जाती है। बेसिकली स्वयं सहायता ग्रुप आजीविका उत्पादन और साथ में उद्यमशीलता यानी कि रोजगार से रिलेटेड जो है बेसिकली काम करता है, ताकि ये न्यूनतम ब्याज दर पर जो है बेसिकली काम देता है। विकासशील देशों में अगर हम देखें तो इसमें एक तरह से ये भी देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं आर्थिक सशक्तिकरण के ऊपर हमें एक माध्यम के तौर पर हमें देखने को मिलता है। साथ साथ अगर हम बात करें तो इसके अंदर अपनी एक खुद की लाइक लोगों के द्वारा एक इवन दुनिया में सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा ये स्पेशली जो है SSG को जो है एक काफ़ी बड़े तौर पर जो है लागू किया जा रहा है। आर्थिक उदारीकरण यानी कि 1991 के बाद से ही स्वयं सहायता ग्रुप काफ़ी बड़ी इसकी भूमिका बढ़ने लगी। जब नबार्ड, आपको पता होगा जैसे कि एक RBI होता है, ऐसे किसी के क्षेत्र में एक टॉप बैंक होता है जिसको हम बोलते हैं नबार्ड, राइट। नबार्ड बेसिकली एग्रीकल्चर्स में थोड़ा सा ज़्यादा प्रोत्साहन देता है, तो उस केस में नबार्ड ने इस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। और साथ में फिर जो हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना थी ये वाली, यहाँ पे स्पेशली अगर बात करें जमीनी स्तर पे, यहाँ पे मतलब कि प्लान के अंदर ही 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर ही, क्योंकि आपको पता होगा हमारे 12 प्लान हो चुके हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना मतलब 12वां ही चल रहा था, वो बात अलग है कि अब ख़त्म कर दिया गया है, वो एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन हमारी 12वीं 12 पंचवर्षीय योजना हो चुकी हैं, तो उस तौर पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक इसका स्वयं सहायता ग्रुप का जो है उपयोग किया गया। इसके कुछ लक्ष्य हैं, देखिए कंसेप्ट समझ आ गया क्या है, मैंने आपको अच्छे समझा दिया। अब लक्ष्य क्या होते हैं, देखो लक्ष्य वही, अब जो एक समाज में जिसकी ज़रूरत है, लाइक गरीब लोगों के बीच नेतृत्व क्षमता का विकास करना, शिक्षा स्कूल में योगदान देना, पोषण में सुधार करना, जन्म दर में नियंत्रण करना, लोगों को छुटपुट मतलब कि रोजगार प्रोवाइड कराने के लिए लाइक कम ब्याज दरों पे मतलब कि आगे से करना, तो ये सब चीज़ें जो इनके लक्ष्य के तौर पे, इनके लक्ष्य और भी हो सकते हैं, जैसे स्वायत्त ग्रुप का अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में अगर हम सोचेंगे तो उसके लक्ष्य भी अलग तौर से देखेंगे। ओवरऑल मैं बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं गरीबी परिप्रेक्ष्य के अंदर ही लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। इनके कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत भी हमें देखने को मिलते हैं, कुछ सिद्धांत जो आपस में काम करते हैं जिसमें आपसी विश्वास और समर्थन, सामूहिक जिम्मेवारी होती है इसके अंदर, सर्वमति पर आधारित निर्णय होता है और साथ में प्रत्येक सदस्य की समान रूप से जवाबदेही होती है। ये एक सिद्धांत बोल सकते हैं कि जब SSG का जब स्पेशली जो गठन किया जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं ये एक मार्गदर्शक सिद्धांत भी आते हैं, तो उसी का ही कहीं ना कहीं ये अहम रोल हमें जो है देखने को मिलता है, जिसके अंदर विश्वास, जिसमें आपका विश्वास, जिम्मेदारी, निर्णय प्रक्रिया और जवाबदेही, तो कहीं ना कहीं इसी के ऊपर SSG जो होता है पूरा तरह से टिका हुआ यहाँ पे होता है। अगर हम बात करें कुछ केस मतलब कुछ एग्जांपल्स के तौर पे देखें पहले कुछ चीज़ों को लेके कि भाई, क्योंकि देखो हमें क्या है एक बिग, ध्यान से समझिएगा, बिग परस्पेक्ट यानी कि हमें एक विस्तृत तौर पर हमें जो है सोचना पड़ेगा कि क्या है, किस तरह से है। लाइक अगर हम थोड़ा सा इसको देखें इस मॉडल को, तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि कुछ एक अनुमान है नबार्ड का कि 2.2 मिलियन, देखो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, यानी कि 1 मिलियन में ध्यान रखिएगा 10 लाख होते हैं, तो कुछ 22 लाख स्वयं सहायता समूह आपस में हैं जो 33 मिलियन सदस्यों का प्रतिनिधि करते हैं, यानी कि 22 लाख सदस्य हैं, 22 लाख स्वयं सहायता ग्रुप हैं जिसमें 33 करोड़, 33 मिलियन हो गए ना, यानी कि 3.3 करोड़, यानी कि इतने लोग इसमें जो है शामिल हैं। तो देख रहे हैं यार, करोड़ बहुत बड़ी बात होती है, यानी कि हमारे देश का कुछ 1% के आसपास स्वयं सहायता ग्रुप में निर्भर करता है, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है उस चीज़ को लेके। और अगर बात करें तो कुछ राज्यों में ये मतलब शुरू भी किया गया है, जैसे कि सरकार के द्वारा भी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, यहाँ पर ये जो साउथ इंडिया के जो स्टेट हैं, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, साउथ इंडिया में SSG काफ़ी सक्सेसफुल रहा है एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के अंदर वही हिंदी बेल्ट आ गया पूरा, साथ में आपका हिंदी बेल्ट का जो पूरा एरिया हो गया वो नॉर्थ इंडिया में आ गया। तो हिंदी बेल्ट में आखिर क्या एक रीजंस हैं कम इसके नाकाम होने के, या आप मुझे अपने कमेंट सेशन में बता सकते हैं। कमेंट्स वही हैं लाइक क्योंकि चुनौतियाँ आगे मैं बताऊंगा उसमें, तो उसको ही आस जोड़ के आप सोच सकते हैं। तो आखिर क्यों, आखिर क्या रीज़न है कि साउथ इंडिया में सक्सेसफुल हुआ है, नॉर्थ इंडिया में क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ, इन कमियों को विश्लेषण के तौर पर जो है समझने की जो है कोशिश कीजिएगा।
इसके बाद स्वतंत्रता समूह की कुछ भूमिका भी हमें देखने को मिलती है, लाइक कुछ भूमिका ऐसी है कि देखो ये देखो इन पॉइंट्स से इनको पढ़ने से पहले थोड़ा सोचो आखिर इनकी भूमिका क्या होगी। भाई गरीबों का उद्धार करना, रोजगार देना, छोटी बचतों को प्रोत्साहन देना, कुछ इस तरह से। तो ये सब चीज़ें जो भूमिका के तौर पे होती हैं, अगर हम इसी में ही पॉइंट्स को निकालें तो हमें ये देखो यानी जो वंचित समूहों को उनका विकास करना, साथ में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जागरूकता का भी प्रयास करना, भाई ठीक है भाई पैसा बचाओ, सारे पैसे मत उड़ाओ, दारू शराब में पैसा बचाओ, आगे फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट भी रखो, ताकि छोटी बचतों को यहाँ पर प्रोत्साहन देना और आर्थिक गतिविधियों को और बढ़ावा देना, संस्थागत ऋण में आसानी आ जाती है, साहूकारों से यहाँ पे आदमी बच जाता है, देख रहे हैं, साथ में रोजगार के अवसर का जो सृजन करना। तो ये इनकी एक तरह से हमें जो है भूमिका के तौर पे देख, और भी कुछ पॉइंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं थे, तो वो अपने हिसाब से सोच सकते हैं। मैंने ओवरऑल मोटा मोटा कंसेप्ट यहाँ पर समझाने की आपको कोशिश करी है। अब इसी की जैसे सोच आता समूह का, एक ग्रामीण भारत ने लाइक भारत के अगर हम बात करें तो सामाजिक और आर्थिक विकास में भी योगदान दिया है, कुछ तरह की स्टेटमेंट आ जाए कि भाई आखिर क्या स्व सहायता ग्रुप का आखिर ग्रामीण भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में क्या योगदान रहा है, तो उसके पेश में अगर आप ये एकदम फटा इस टाइप को टेप दोगे तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा, जिसमें जैसे कि सामाजिक उद्यमिता को प्रोत्साहन देने में सहायक है SSG, प्रबंधकीय गुणों जैसे नेतृत्व और निर्णय लेने में भी कहीं ना कहीं ये क्षमता में विकास करता है। देखें यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे ये है कि SSG कैसे सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। आई रिपीट अगेन, आखिर SSG जो स्वयं सहायता समूह ग्रुप है वो कैसे आखिर भारत के अंदर सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। तो जैसे कि उद्यमिता, यानी कि एक तरह से उद्यमिता यानी कि आप एंटरप्रेन्योरशिप को आगे लेके आते हैं लोग SSG में, प्रबंधक इसमें उद्यमशीलता, प्रबंधक के गुणों जैसे नेतृत्व, निर्णय लेने की प्रक्रिया भी आगे आ जाती है। तो कहीं ना कहीं सामाजिक और आर्थिक के तौर पर हमारा देश विकास कर रहे हैं। आर्थिक गतिविधियों द्वारा मूल्यवर्धक वस्तुओं का उत्पादन यहाँ पे हो जाता है, जैसे कि आपको प्रोडक्शन भी होता है आपस में। देखिए मैंने एक लोन पर कंसेप्ट बताया, कुछ SSG खेती में भी काम करते हैं जो आपस में मिलजुल के काम करते हैं। नवाचार और रचनात्मक उद्योगों का विकास यहाँ पे हो जाता है, रोजगार, स्वयं रोजगार, उद्यमिता में गरीबी उन्मूलन में सहायक हो जाते हैं ये सारी चीज़ें, और साथ में मानव विकास हो जाता है, वित्त की ये सब चीज़ें से अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत हो जाती है। तो ये सब चीज़ें इसमें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं। कुछ और भी पॉइंट्स हैं जैसे कि महिला को लेकर स्पेशली देखें तो महिलाएँ काफ़ी घर में काम करने के बाद फ्री हो जाती हैं, तो वो सहायता ग्रुप में लगी रहती हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है लिज्जट पापड़, इसके जैसे हमारे पास एक और एग्जाम्पल्स है जैसे कि बस्तर ज़िले में लाइक आम का अचार, ये कुछ ऐसे केस स्टडीज़ हैं जो स्वयं सहायता ग्रुप से आज आज लोग जो है इनको इंटरनेशनल लेवल पर पहचानते हैं। उनका टर्न ओवर मोर देन 2000 करोड़ के आसपास है SSG का, सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो उस चीज़ को लेके जिसमें पापड़, बीड़ी, दलिया, आटा, अगरबत्ती, मुरब्बा, इस तरह से चीज़ों का पोषण विकास होता है, और कहीं ना कहीं बच्चों के पोषण में भी हमें विकास देखने को मिलता है। भाई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो पलायन जो देखने को मिलता है, जो शहरी क्षेत्रों में जो पलायन होते हैं उसको भी कहीं ना कहीं ये स्पेशली जो है रोकने का प्रयास करता है। स्वैच्छिक बचत को देखो, स्वैच्छिक बचत को और वित्तीय समस्याओं को प्रोत्साहित करता है। श्रम आधारित रोजगार सृजन में भी काफ़ी हमें जो क्षेत्रों में जो बढ़ावा देखने को मिलता है, ये भी एक चीज़ हमें एक नई देखने को मिलती है। क्षेत्रीय असमानता को कम करता है, जिसमें सामाजिक असमानता को भी काफ़ी ज़्यादा कम करने की कोशिश करता है, क्योंकि सबके पास जब रोजगार होगा, सबके पास पैसे आएगा, तो कहीं ना कहीं गरीब जो होगा थोड़ा सा कम गरीब होगा, यानी कि विकास की तरफ आगे बढ़ेगा। भारत में विभिन्न मॉडल जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये कुछ इस तरह से मॉडल्स हैं जो आज के समय अपने काम की तरफ जो काफ़ी ज़्यादा उल्लेखनीय हमें देखने को मिलती हैं। इसी जैसे कुछ चुनौतियां भी हमें देखने को मिलती हैं। ऑफकोर्स अब कोई काम है तो उसमें चुनौतियां भी होंगी, डेफिनेटली ये बात एक जायज है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो जब चुनौतियां होंगी तो भाई इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं। भाई देखो पहली बात क्या है, देखो थोड़ा लेवल में सोचना, SSG में कुछ लोग क्यों नहीं सोचते यार, कौन झंझट पाले, ठीक है। अब कहावत है ना कि हम अपने घर को देखो बाहर क्या हो चल रहा है, छोड़ो उस चीज़ को। एक तो ये कंसेप्ट भी है कि भाई एक तो लोग मगजमारी नहीं चाहते, दूसरा एक पितृसत्तात्मक समाज भी है जहाँ पे औरतों को वो आगे नहीं लेके आते हैं, वो खुद करना चाहते हैं, राइट, भले उनके पास टाइम होना लेकिन उसमें वो अड़ंगा लगाते हैं। कुछ एक ये भी ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। तो ये आप खुद के पॉइंट्स खुद सोच सकते हो, लाइक एक कल्चर भी है हमारी तरफ से, नॉर्थ इंडिया का कल्चर देखें तो कहीं ना कहीं लेडीज़ को हमेशा से पीछे ही रखते हैं। देखिए मैं किसी लेडीज़ के अगेंस्ट नहीं कह रहा हूँ, जस्ट मैं एक सम कल्चर की बात कर रहा हूँ जो हमने बुक्स में, किताबों में पढ़ा, मैं उसी के बिहाफ पे जो है बेसिकली जो है बात कर रहा हूँ। तो चुनौतियों के अंदर अगर हम देखें तो सदस्यों की अज्ञानता, भाई आधे लोगों को तो कंसेप्ट ही नहीं समझ आता है क्योंकि बेरोजगारी कम है, लाइक पढ़ाई लिखाई कम हुई है, जिस वजह से इस झंझट में इसको नहीं पालते हैं, तो ये बात भी होती है। दूसरा अपर्याप्त
प्रशिक्षण सुविधाएं भाई, लाइक इनके बारे में कुछ, इनको प्रशिक्षण दिया नहीं जाता है तो उसके बारे में फिर वो आगे नहीं कर पाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती। बाकी देखिए यार, मैं यहाँ पे समझाने के लिए बैठा हूँ, अभी एक एक लाइन पढ़ूंगा तो फिर तोते यार हिसाब हो जाएगा। ये आप खुद स्लाइड रोक के पढ़ सकते हो, मेरा कंसेप्ट है समझाना कि क्या क्या आखिर चुनौतियाँ हमें देखने को मिलती हैं। फिर महिला लाइक स्थिरता की कमी रहती है कहीं ना कहीं महिलाओं की, कभी कभी महिला आपस में हो जाता है, कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कुछ विवाद विवाहित हो जाती है तो छोड़ के चली जाती हैं, या फिर लाइक पित समाज भी होता है तो उस चीज़ में फिर आदमी भी लोग रोकते हैं, तो ये भी एक इश्यू हमें देखने को मिलता है। वित्तीय प्रबंध कमज़ोर होता है, कुछ लेके पढ़ी लिखी नहीं होती, घरेलू जैसे विवाह घर निर्माण इसी में जो है इनका जो लोगों को खर्च कर दिया जाता है, बेसिकली जो पैसा कमाया जाता है इससे, और एक मतलब उस पैसे को एक अच्छी जगह जो है नहीं लगा पाते हैं। तो ये कुछ चुनौतियाँ हैं, और भी चुनौतियाँ हैं जैसे कि लेटेस्ट ऐप का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर पा रहे, तो ये भी कुछ आज के समय में चुनौतियाँ देखने को मिल रही हैं। अब महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले नीतिगत कार्यक्रम, भाई कुछ ऐसे भी कार्यक्रम निकले हैं जिससे कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा हो, क्योंकि देखो ये सारे में क्वेश्चन मेंस ओरिएंटेड उठा रहा हूँ और ये मेंस ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए सूक्ष्म लघु उद्योग, अब देखिए इसमें सरकार के यानी कि यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि महिला सशक्तिकरण, देखो सशक्तिकरण का मतलब होता है महिलाओं का विकास करना, महिलाओं को सशक्त करना ताकि वो एक इंडिपेंडेंट हो सके, उसकी खुद की आइडेंटिटी हो सके, तो उस चीज़ को मतलब सशक्तिकरण के तौर पर हम देखते हैं। आखिर वह कौन से नीतिगत कार्यक्रम है ताकि जिससे जो बढ़ावा जो महिला सशक्तिकरण का जो है बढ़ावा दिया जा सके। देखिए इसमें इन्होंने यही बोला है कि पहली बात कि देखिए सूक्ष्म लघु और मध्य उद्योग विकास संगठन उद्यमिता विकास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका उद्देश्य संभावनाओं से पूर्ण उन महिलाओं की उद्यमिता को मदद करना है। अब देखो इसमें पढ़ने से अच्छा है मैं यहाँ पे आपको समझा दूँ ओवरऑल, यहाँ पे देखो यहाँ पे है कि गवर्नमेंट जो है आज के समय वो MSME जो स्मॉल मीडियम यानी SMSME जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो होते हैं लघु, जिनको हम लघु उद्योग कहते हैं या फिर कुटीर उद्योग कहते हैं, उनमें विकास कर रही है कहीं ना कहीं। साथ में सिडबी द्वारा महिलाओं के लिए लाइक दो विशेष योजनाएं चला रही हैं जिसे महिला उद्यम निधि और महिला विकास निधि, ये भी चल रही है। तो देखो ये सरकारी प्रयास के तौर पे हमें देखने को मिला कि सरकार भी क्या क्या कदम उठा रही है, तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। स्टार्टअप इंडिया भी आया है हाल ही में जिससे कि भारत के स्टार्टअप को प्रोत्साहन दिया जा सके, तो ये भी कहीं ना कहीं SHG के तौर पर भी देखा जा सकता है। साथ में प्रशिक्षण के लिए स्टेप एक कार्यक्रम निकाला गया है जिसमें महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए लाइक औपचारिक दक्षता प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए भारत सरकार यानी कि महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्टेप का यानी कि स्टेप राइट यानी कि यहाँ पे स्टेप ये एक कार्यक्रम जो हमें जो है देखने को यहाँ पे मिल रहा है। साथ में 2005 में ही वंचितों समूह के लिए संस्थागत ऋण प्रदान करने की भी भारत सरकार द्वारा पेशकश करी गई है, स्पेशली ST और SC के जो क्षेत्र हैं उसमें जो है स्टैंडअप इंडिया को भी लाया गया है। साथ में वंचित महिला समूह को ऋण प्रदान करने के लिए व्यापार और सुविधा संबंधित उद्यमी सहायता और विकास यानी ट्रेड नामक कार्यक्रम भी चलाया गया। देखिए जब आप मेंस में ये सारी चीज़ें लिखते हैं ना तो आपके आंसर्स में एक अलग ही यूनिकनेस आती है। अब ये नहीं कि आप घिसे पिटेल जागरूकता स्वच्छता ये सब लिख रहे हो तो भैया नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर लाने के लिए ये पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, जिस वजह से मैंने आपको एक ओवरऑल रोड मैप दिया है कि ताकि आप इन पॉइंट्स को लिख लेना ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा। इसी के जैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स आई है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को आप इसको ऐड कर दीजिएगा, साथ में सीड का लक्ष्य भी एक ये भी निकला है कि निष्पक्ष सशक्तिकरण विकास के लिए विज्ञान, ये भी विज्ञान का होना भी बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ में सरकार प्रयास कर रही है। और साथ में महिला उद्यमिता मंच जो हाल ही में जो नीति आयोग द्वारा शुरुआत किया गया इस चीज़ को लेके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिल रहा है। साथ में सरकार द्वारा मुद्रा योजना जो स्पेशली काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है जैसे जिसमें छोटे व्यवसाय जैसे ब्यूटी पार्लर ट्यूशन सेंटर चलाना आदि भी इस चीज़ को भी जो है बेसिकली जो है लोन देते हैं। साथ में मेक इन इंडिया डिजिटल इंडिया इन सब और साथ में महिला ई हार्ट का शुभारंभ किया गया है, तो ये सब चीज़ें हमारे लिए काफ़ी एक उन्नति वाले हैं। कुछ केस स्टडीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, लाइक कुछ केस स्टडीज़ ऐसी है। देखो केस स्टडीज़ का मतलब होता है एग्जांपल्स, उदाहरण, कभी आप किसी कोर्ट में करना चाहते हैं या फिर आप इंटरव्यू में हैं तो आपको कोटेशन अगर आपको चाहिए तो देखो ये कुछ महिला सशक्तिकरण से लेके कुछ केस स्टडीज़ निकली हैं जो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, जैसे कि सेवा इंटरनेशनल उत्तराखंड में संचालित एक सेवा कौशल विकास केंद्र है, एक परियोजना है जिसमें कृषि में सुधार और लाइक कृषि में सुधार के माध्यम से पूरे क्षेत्र में परिवर्तन के लिए SHG को सक्षम बनाती है। ये परियोजना इस बात का एक अनूठा उदाहरण है कि कैसे महिलाएं आपस में एक दूसरे को आगे बढ़ाने में समर्थन करती है, तो ये केस स्टडी है सक्सेसफुल। आप सेवा का जो है हमेशा जो है एग्जाम्पल यहाँ पर जो है दे सकते हैं। इसी तरह से गुजरात के गिर क्षेत्रों में भी 500 स्वयं सहायता समूहों ने को जोड़ने वाले एक वृहद संगठन
सोरठ महिला विकास मंडली के सदस्य विधवाओं को बेहतर जीवन जीने के लिए सहायता हेतु सामाजिक रूढ़ियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे केस स्टडीज़ हैं जो आपको हमेशा याद रखनी पड़ेंगी। अगर आप केस स्टडीज एग्जाम्पल्स के तौर पर हैं तो आप इन दो केस स्टडीज़ को उठा के लिख देना, ये ओवरऑल वैलिड है और इसमें काफ़ी हद आपको जो है फ़ायदा देखने को मिलेगा। सरकारी प्रयास में ये भी हो सकता है कि लेटेस्ट अगर हम देखें थोड़ा सा कि सरकारी प्रयास और क्या क्या हो सकता है। देखो इसमें महिला नेत्र पहलों और आंदोलन के लिए महिला केंद्रित नीति जो निर्माण जो स्पेशली बजट में हमें देखा गया एक वो देखने को हमें मिला। बजट में ही लैंगिक भेदभाव को दूर करने के सरकारी प्रयास के लिए समिति प्रस्तावित की गई है। ये बिल्कुल जिसको बोल सकते हैं 2019 वाले, 2020 वाले, 2021 वाले आराम से इसको इसमें लिखेंगे तो स्पेशली जो कोई दिक्कत यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेगी। साथ में अगर हम देखें महिला उद्यमी को बढ़ावा देने के साथ मुद्रा योजना के तहत महिला को सस्ता लोन जो है ऐलान किया गया है। महिला उद्यमिता को अब 1 लाख रुपए तक का जो है लोन दिया जा रहा है और साथ ही जनधन खाते प्रत्येक सत्यापित महिला को SHG के थ्रू 5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जा रही है जिससे कि एडवांस में पैसा निकाला जा सकता है। और स्टैंड अप इंडिया के तहत मतलब ये मैंने क्या किया 2019 वालों को एक तरफ कर दिया है, बाकी वैसे तो पहले भी बताई दिया मैंने बट फिर भी जो लेटेस्ट है उस चीज़ को मैंने एक तरफ रखा ताकि आपको आपको कोई दिक्कत ना आए। तो ये एक SSG के ऊपर पूरा कंसेप्ट था सभी डायमेंशंस में, क्या कमियाँ हैं, क्या चुनौतियाँ हैं, क्या एग्जाम्पल्स हैं, क्या किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें महिला प्रयास के थ्रू लिख दिया है। बस यही था SSG के अंदर का दोस्तों। तो आई होप लेक्चर नंबर 70 आपको सही लगा होगा। थैंक यू।